नमस्कार दोस्तों, मैं मुलायम सिंह यादव अराइज स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके आगामी 29 सितंबर की आपकी जेईटी के एग्जाम है। इस जेईटी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को आराम से देखेगा ताकि आपकी अपने को किन किन बातों पर ध्यान रखना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार आपने देखा होगा कि स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी करता है, लेकिन कई कारणों की वजह से तैयारी करने के बावजूद उसका वहां पर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उन अतिरिक्त चीजों से हमारे को बचना है और अपने को बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, यहाँ अपन बात करेंगे, देखेगा जेईटी 2020 की जो एंट्रेंस एग्जाम है उससे परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो आपका एग्जाम है, एग्जाम डेट की बात करेंगे। काफी स्टूडेंट बहुत ज्यादा चिंतित थे, कल परसों से लगातार कॉल आ रहे थे कि सर अभी हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है, शायद हो सकता है पिछली बार दो बार जैसे आपके एग्जाम है ना आगे बढ़ चुके, तो हो सकता है सर अब की बार भी एग्जाम आगे तो नहीं बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आपको बिल्कुल किसी प्रकार का टेंशन लेना नहीं है। आप 29 तारीख की जो आपके एग्जाम है बिल्कुल फाइनल एग्जाम है। तो यहाँ पर जो एग्जाम डेट है वो फाइनली कितनी है आपकी, 29 सितंबर की आपकी एग्जाम है। उसके बाद में अपन बात करते हैं। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे आपने प्रवेश पत्र को ध्यान से पढ़ा नहीं है और आपने देखा वहां पर आपकी जो एग्जाम है वो 12 से 2 बजे के बीच में है, तो आप कई बार क्या सोचते हो कि अपन है ना पूरी 12 बजे तक या 11:30 बजे तक वहां पर पहुंच जाएंगे, फिर एग्जाम में अपन आसानी से बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का जो समय है वो सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच में आपको परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचना है, क्योंकि आपने देखा होगा वर्तमान समय में कोविड-19 जो महामारी है उसको देखते हुए आपसे एग्जाम सेंटर के ऊपर जो है वहां पर गेट के अंदर एंट्री देते समय आपसे वहां पर आपका चेकअप किया जा सकता है। थोड़ा सा आपने देखा होगा टेम्परेचर वगैरह वहां पर देखा जाता है, फिर उसके बाद में एंट्री दी जाती है, उसके साथ ही ड्रेस कोड वगैरह भी देखा जाता है। इसलिए अपने को समय से 2 घंटे पहले वहां पर एग्जाम सेंटर के अंदर जाना है। तो सुबह 9 बजे वहां पर एग्जाम सेंटर के अंदर आपको एंट्री मिलेगी। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, नोट लेके स्पेशल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, 11:30 बजे के बाद में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिन विद्यार्थियों के दिमाग में ये चीज रहती है कि 12 बजे के एग्जाम है, 11:30 बजे के बाद में एग्जाम हॉल के अंदर अपन प्रवेश कर जाएंगे, तो दोस्तों उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि 11:30 बजे के बाद में वहां पर कोई अलाउड नहीं होगा। मैंने देखा है काफी बार, मैं जब भी जेट के एग्जाम बच्चों को दिलाने लेके जाता हूँ तो वहां पर बच्चे रोते हुए एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं, फिर कारण बताते हैं कि सर हमारा जैसे ड्रेस कोड कंप्लीट नहीं था, हमारे पास आईडी नहीं थी हमारे पास, या हम थोड़ा लेट हो गए, इस वजह से एग्जाम से हमारे को वहां पर आउट कर दिया। तो मैं दोस्तों चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट इन बातों के ऊपर पूरा फोकस रखे, ताकि किसी भी अन्य प्रकार के कारण की वजह से अपन ऐसा अपने साथ ना हो। तो 11:30 बजे के बाद में वहां पर एग्जाम सेंटर के अंदर आपकी जो एंट्री है बिल्कुल भी वहां पर बंद कर दी जाएगी, इसलिए 11:30 बजे से पहले पहले आप वहां पर पहुंचे। एक होता है परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच में, आपकी जो वहां पर परीक्षा का जो टाइम है वो कितना है आपका, 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। आपने देखा होगा आपको वहां पर बिल्कुल भी 120 मिनट मिलेगी, और आपने देखा होगा जैसे आपके पास 40 40 और 40 क्वेश्चन है, जैसे एग्रीकल्चर के 40 है, बायो के 40 है, केमिस्ट्री के 40 है, तो आपको 120 क्वेश्चनों के लिए वहां पर 120 मिनट मिलती है। इसका मतलब यह है कि वहां अपने को 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके साथ 1 मिनट के अंदर उसी सॉल्व किए हुए क्वेश्चन को अपने को क्या करना है, ओमार शीट के अंदर उसका राइट आंसर देना है। इसलिए अन्य किसी साइड की बात में न ध्यान देते हुए अपने पेपर के अंदर, अपनी ओमार शीट के अंदर आपको अपना कंप्लीट ध्यान लगाना है, क्योंकि देखा होगा आपने 16 तारीख की जो आपकी आईसीआर के एग्जाम है उस आईसीआर के एग्जाम में देखा होगा क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल आ गए, इसलिए स्टूडेंट कंप्लीट क्वेश्चन कर नहीं पाए। तो ऐसा अपने को विशेष फालतू की बातों की तरफ ध्यान न देते हुए अपने पेपर और अपनी ओमार शीट में ध्यान रखना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन यदि आता हुआ क्वेश्चन अपन वहां पर छोड़ रहे हैं तो अपने को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो एक आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूं, मैंने भी देखा है काफी नोटिस किया है, 11:30 बजे से 12 बजे के बीच का जो समय है उसके अंदर जो एग्जाम हॉल के अंदर जो आपकी दिमाग की जो थ्योरी है वो कई प्रकार से वहां पर डाइवर्ट होती है। वहां पर ये होता है
कि जैसे मैंने ये देखा है बहुत सारे स्टूडेंट है ना वहां पर, जैसे ये सोचते हैं कि आज का पेपर कैसे होगा, मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, आज मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। ऐसी अतिरिक्त बातों के सोचने के कारण दिमाग के ऊपर एक अलग सा स्ट्रेस ले लेते हैं, इसलिए नेचुरली जो उनका रिजल्ट है वो आना चाहिए वो आ नहीं पाता। इसलिए जो आपका जो आधे घंटे का समय है, इस आधे घंटे के समय के अंदर आपको जो आपके पास दी गई जो ओमार सीट है उसको भरना है। ओमार सीट के अंदर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करनी है। आपके समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पर जो आपके एग्जाम हॉल के अंदर आपका जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर से हेल्प लीजिएगा और उसे बात कीजिएगा कि किस प्रकार से, कहने का मतलब है मेरे को ये ओमार सीट भरनी है, क्योंकि वहां पर एग्जाम सेंटर के अंदर जो एग्जामिनर होता है वो आपकी हेल्प के लिए वहां पर उपस्थित होता है। इसलिए ये इन चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वहां पर ध्यान रखते हुए आपको ये सारा काम करना है। यहाँ दूसरी चीज, 5 से 10 मिनट में आप ओमार सीट भरते हो, उसके बाद में बाकी का जो समय है, बाकी के समय के अंदर बिल्कुल अपने को तरोताजा समझते हुए आप है ना जब तक वेट करते रहिए, जब तक आपका पेपर नहीं आता। तो ये आपको वहां पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। एक चीज मैं बताऊं आपको, परीक्षा सेंटर के अंदर आपके किसी भी प्रकार का हो सकता है पेन अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी एक ब्लैक पेन आप अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि एक ब्लैक पॉइंट पेन जो है परीक्षा केंद्र के ऊपर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दिए जाएंगे। तो आपको पेन संबंधी ध्यान रखना है, ब्लू पेन अलाउ नहीं किया गया है, वहां पर ब्लैक पेन अलाउ किया गया है। तो सभी विद्यार्थी एक ब्लैक पेन या एक या दो ब्लैक पेन लेके जाइए, और हो सकता है वहां पर एग्जाम में अतिरिक्त पेन मिल जाता है तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो ये बातें आपको परीक्षा जो आपके सेंटर है उसके अंदर ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो साथ क्या लेकर जाना है, जो आपका सेंटर है उस सेंटर के अंदर आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। एक आता है आपका आईडी कार्ड। तो दोस्तों आईडी कार्ड के अंदर मैं बताऊं, आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपके पास एक परमिशन लेटर हो, उस परमिशन लेटर के ऊपर आपका फोटो लगा हुआ हो। उसके बाद अपन बात करते हैं आईडी कार्ड में आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपका वोटर आईडी बना हुआ है तो वो आप लेके जा सकते हैं। कोई सा एक आईडी कार्ड आपको साथ ले जाना जरूरी है। जिसे मैंने कई बार देखा है, स्टूडेंट परमिशन लेटर लेके जाते हैं, परमिशन लेटर के बाद में वो आईडी भूल जाते हैं तो वहां पर उनको एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री नहीं दी जाती और उनको बाहर कर दिया जाता है। तो वो बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते हैं, भाग दौड़ करते हैं, फिर वो लेट हो जाते हैं। उस होता है ये अपने को नहीं करना, अपने को एक आईडी कार्ड लेनी है। आईडी कार्ड के अंदर मैंने बताया आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके जो परिचय पत्र है किसी में से एक आप ले जा सकते हो। उसके बाद में एक फोटो वहां पर आपको लेके जानी है। दूसरी चीज, आपने देखा होगा 9 बजे से एंट्री है, 12 बजे से आपकी 2 बजे के बीच में आपकी एग्जाम है। तो 9 बजे से 2 बजे के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट अपने साथ एक बिल्कुल पारदर्शी व्हाइट जो है पानी की बोतल लेके जाइए, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, बहुत ज्यादा वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। कई बार मैंने ये भी देखा है कि जो एग्जाम सेंटर होता है उस एग्जाम सेंटर के अंदर एक एक स्टूडेंट को वहां पर एंट्री दी जाती है तो वहां लाइन लगना पड़ता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। तो कई बार टेम्परेचर के कारण काफी स्टूडेंट वहां चक्कर आकर वो गिर जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो आपको पानी की बोतल अपने साथ रखनी है ताकि ऐसी परिस्थिति आए तो आप उससे निपट सको, क्योंकि बहुत लंबा ड्यूरेशन है यहाँ पर। तो ये आपको साथ में ये चीजें लेकर जानी है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं कि आपका जो ड्रेस कोड है वो ड्रेस कोड किस प्रकार का होना चाहिए। तो ड्रेस कोड की बात करें अपन, ड्रेस कोड के अंदर देखिएगा दोस्तों, ड्रेस कोड के अंदर जैसे बॉयज है, बॉयज के लिए आदि आस्तीन का शर्ट, टी शर्ट, पैरों में स्लीपर चप्पल आपको पहनी है। यहां पर आपके डायग्राम में दे रखा है दोस्तों, आप जैसे फुल बाजू का कोई भी आप शर्ट वगैरह, टी शर्ट वगैरह पहन के जाते हो तो वहां पर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा कई बार, आपने देखा होगा अपना जो शर्ट है उसकी जो बाजू है वहां पर कैंची से काट दी जाती है। अपन ऐसा क्यों करें, ऐसी सिचुएशन अपने सामने ना आए। उसके बाद में गर्ल्स के लिए अपन बात करेंगे, आदि आस्तीन का कुर्ता है, टॉप है, पैरों में चप्पल या स्लीपर है। तो ये आपने देखा होगा कि आप जैसे ये जो आपके लिए ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं होंगे वहां पर, जैसे आपकी वॉच है, मोबाइल है, आपके जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपके जूते है, आपकी जैसे सैंडल है, तो ये चीजें बिल्कुल भी वहां पर अलाउ नहीं करेंगे आपको। जैसे ये जो आपके सामने कपड़े दे रखे हैं बिल्कुल सादा, जो सोबर कपड़े दे रखे हैं वो बिल्कुल एग्जाम हॉल के अंदर अलाउ करेंगे। इसके साथ भी देखा होगा यहाँ जूते, जुराब, कलाई की घड़ी, कान या नाक की पिन, चैन, लॉकेट किसी तरह का आभूषण पहनकर
परीक्षा के अंदर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, इसलिए आप इन सभी चीजों को एग्जाम हॉल में जाने से या घर से निकलने से पहले इनको अपने शरीर से यहां पर है इनको बिल्कुल भी हटाकर आपको वहां पर एंट्री मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, इनको अलाउ नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है वहां एग्जाम सेंटर के आसपास इन चीजों के लिए जगह नहीं होती, तो स्टूडेंट्स क्या होता है इधर उधर घूमता रहता है, काफी टाइम इन्वेस्ट करता है। तो आप है ना एग्जाम के अंदर देने जाओ उस दिन इन चीजों को आप थोड़ा सा है ना बिल्कुल साइड में रखते हुए जाओ, वरना आपके साथ ये जो मैं दिखा रहा हूं वो कंडीशन भी हो सकती है। देखिएगा यहां पर ये डायग्राम देखिएगा, इस डायग्राम के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि आप यदि ड्रेस कोड के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो यहां पर ये जो है ये कैंची से इसकी जो बाजू है बाजू काटी जा रही है। यहां पर देखिएगा जो कान का जो भी इंस्ट्रूमेंट है, कान का जो घुंघरू वगैरह जो भी है उसको देखिएगा, इसको तोड़ा जा रहा है। तो यहां पर कुल मिला के अपन ऐसी सिचुएशन क्यों आने दे, इन चीजों से निपटने के लिए इन सब चीजों को अपन वहां से हटाकर अपन पहले एग्जाम के अंदर जाएंगे। दूसरी चीज यहां पर देखिएगा दोस्तों, किसी भी कोचिंग संस्थान की विशिष्ट वेशभूषा पहनकर परीक्षा में नहीं जाना है। वहां पर जिसे कई बार इंस्टीट्यूट वाले मेरे जो साथी है या मैं भी हूं, कई बार स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप है ना इंस्टीट्यूट की ड्रेस या टी शर्ट के अंदर जाइए, तो दोस्तों आप अपने हिसाब से जो आपको बेटर लगता है सिंपल ड्रेसेज होती है वो पहन के जाना है, किसी प्रकार की आपको अलग वेशभूषा में वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये डायग्राम देखिएगा वहां पर एग्जाम हॉल के अंदर आपको इन चीजों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 3 से 4 सालों के अंदर ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या है जो एग्जाम है जेईटी की, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई गई है, क्योंकि पहले इन एग्जाम के अंदर एक दो बार काफी फर्जीवाड़ा हो चुका था, इस वजह से वर्तमान की जो एग्जाम है बहुत टाइट होने वाली है, इसलिए इन चीजों से आपको बच के रहना है। उसके बाद में देखिएगा जो अपनी जेब वगैरह है, अपने ड्रेस के अंदर किसी भी प्रकार का जो कागज का टुकड़ा या किसी भी प्रकार का जो एग्रीकल्चर या बायोलॉजी केमिस्ट्री का कोई मैटर आप भूल कर भी, कई बार क्या होता है स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते जाते हैं और अपनी जेब के अंदर है ना वो कागज ले जाते हैं, जो एग्जाम हॉल के अंदर वहां पकड़े जाने पे बहुत ज्यादा आपको नुकसान होगा, वहां एग्जाम से आपको वहां पर बिल्कुल बाहर कर दिया जाता है और काफी आपको सजा दी जाती है। उसके बाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है ओमार सीट संबंधी निर्देश। तो ओमार सीट को कैसे भरना है, ऐसे कैसे क्लियर करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उनके बारे में ध्यान रखेंगे। टॉपिक नंबर फर्स्ट है जो आपका इरेजर रबर है या ब्लैक जो ब्लेड का प्रयोग नहीं करें। आपने देखा होगा जैसे ये आपकी जो ओमार सीट है आपको थोड़ा सा धुंधली दिख रही है, इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं ये जो ओमार सीट है, इस ओमार सीट को कैसे भरा जाता है। तो यहां पर देखिएगा जैसे आपके रोल नंबर है 00, आपके जैसे किसी परीक्षार्थी की जो रोल नंबर है वो है आपके 00233410। तो ये आपके रोल नंबर है, तो आपको सबसे पहले अपने जो रोल नंबर है उसको माइंड सेटअप करना है। यहां ये देखना है कि रोल नंबर जो है वो कितनी संख्या में दिए गए हैं। तो यहां पर जैसे दोस्तों यहां पर ये 00 नहीं दिए हुए हैं और डायरेक्ट आपको दे रखा है जैसे 233410 डायरेक्ट दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि रोल नंबर का जो कॉलम है उसके ऊपर आपने ये देखा होगा कितने बॉक्स बने हुए हैं। तो यहां पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉक्स बने हुए हैं, इसका मतलब 8 डिजिट होनी चाहिए, लेकिन अपने सार यहां पर कितने डिजिट है आपके 6 डिजिट के रोल नंबर है। तो यहां पर जैसे 233410 ये आपके रोल नंबर है, तो यहां पर अपने को ध्यान में रखना है कि जो 8 डिजिट है प्रथम दो डिजिट है उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर 00 लगाना है, फिर उसके ऊपर जैसे 2 3 3 4 1 0, तो इस प्रकार से आपको ओमार सीट को भरना है। तो आप ये देखिएगा कि आपका जो ओमार है ओमार के अंदर वहां पर जो रोल नंबर की डिजिट है उसके अंदर यदि आपके एक या दो डिजिट कम पड़ती है तो उससे आगे आपको 0 लगाना है। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट जैसे यहां पर भर देते हैं वो 410 और इसको खाली छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीका है। तो आपको जैसे मैंने बताया रोल नंबर भरने का जो तरीका है, उसके बाद में देखिएगा जैसे आपने यहां पर 0 डाला, यहां 0, उसके बाद में 233410, तो यहां पर जो 0 है तो 0 आपके ये देखिएगा 0 आपके कौन सी जगह आता है, जैसे 0 सबके लास्ट में आता है, तो इसको जो आपका ब्लैक पेन है उससे आपको क्या करना है बिल्कुल राउंड करना है। उसके बाद में जैसे 2 है तो 2 के नीचे 2 को आपको क्या करना है, यहां जैसे 2 है 2 को ब्लैक करना है, यहां 3 को ब्लैक करना है, और इसके अंदर बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी ओपन माइंड से आपको काम करना है। जैसे 1 है तो 1 को आपको वो करना है,
उसके बाद में जीरो है तो जीरो को वहां पर ये करना है। तो इस प्रकार से आपको आराम से ओमार शीट भरनी है, क्योंकि वहां पर जब ओमार शीट होगी चेक होगी तो आपको स्कैन के द्वारा इसके अंदर से वो है स्कैन करते हैं। उसके बाद में देखिएगा एक आता आपका बुकलेट नंबर, तो बुकलेट नंबर जो है आपका जो वहां पर देखिएगा आपकी जो बुकलेट नंबर है ए सीरीज है बी सीरीज है सी सीरीज है। तो यहाँ पर जैसे बी सीरीज है तो यहाँ बी डालिए और बी को जो है बिल्कुल राउंड करना है आपको। यहाँ पर जैसे आपके सिग्नेचर करने हैं, जैसे ये मैंने मेरा सिग्नेचर कर दिया, यहाँ पर जो एग्जामिनर है उसका सिग्नेचर होता है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स जो है ओमार शीट के अंदर बुकलेट नंबर नहीं डालता है, तो आपको बुकलेट नंबर डालना है। जैसे आपकी जो सीरीज है बुकलेट सीरीज वो कौन सी है, ए है बी है सी है या डी है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट आपके सामने रहेगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों कि कई बार जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया, जैसे वहां पर जो आपके एग्जाम सेंटर के अंदर जो आपको ओमार दी जाएगी उसमें यहाँ पर जैसे एग्रीकल्चर है बायोलॉजी है केमिस्ट्री है मैथमेटिक्स है, उसके बाद में एक आता है फिजिक्स है। तो जो एग्रीकल्चर बायो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है एग्रीकल्चर के नीचे जो आपका दे रखा है इसको आपको राउंड करना है, बायोलॉजी को राउंड करना है ऐसे, उसके बाद में केमिस्ट्री को क्या करना है ऐसे राउंड करना है। इसमें जो विद्यार्थी सबसे ज्यादा जो गलतियां करता है वो क्या करता है कि सबसे पहले जैसे कोई विद्यार्थी एग्रीकल्चर के अंदर ठीक है, कोई विद्यार्थी बायोलॉजी में अच्छा रहता है, कोई विद्यार्थी केमिस्ट्री में अच्छा रहता है, तो जो सब्जेक्ट उसको अच्छा रहता है वो सब्जेक्ट पहले करने का प्रयास करता है। तो वो कई बार जैसे बायोलॉजी के पेपर को पहले अटेम्प्ट करता है और उसके अंदर 40 क्वेश्चनों को क्या करता है वो 40 के 40 क्वेश्चनों को क्या करता है जिसे उनको टिक करता है और उसके बाद में उसको एग्रीकल्चर के ब्लॉक के अंदर उसको भर देता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप ये देखो आपने यदि ऐसी गलती की है तो आप डायरेक्ट एग्जाम से वहां से क्या हो जाओगे आउट हो जाओगे। तो ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर के नीचे एग्रीकल्चर का मैटर ही आपको डालना है और मैटर भी कैसे डालना है, जैसे क्वेश्चन नंबर एक है दो है तीन है चार है तो उसके अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर एक के अंदर एक है दो के अंदर जैसे सी है तीन के अंदर जैसे ए है चार के अंदर जैसे डी है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर यहां आपको ब्लैक पेन लेना है और वहां पर क्वेश्चन नंबर एक के अंदर पहले जो आपका गोला है उसको कंप्लीट करना है, दो के अंदर जैसे आपके सी है तो यहां पर वो बिल्कुल आपको वो करना है, थ्री के अंदर ए है तो आपको इस तीन के ऊपर ब्लैंक करना है और डी के चार के अंदर डी है, तो इस प्रकार से आपको वो करना है। यदि कोई विद्यार्थी है वो कई बार जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर पहले उसने एक कर दिया और दोबारा उसने क्या कर दिया थोड़ी देर बाद में सी को भी उसने टिक कर दिया और वो क्या करता है जैसे फर्स्ट ये जो आपने एक किया है उसको रबर या ब्लेड का प्रयोग करने के करके उसको हटाने का प्रयास करता है जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसी कंडीशन के अंदर आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है, इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं यदि आपने एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन डाल दिए तो वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल नेगेटिव होगा, इसलिए ऐसी गलतियों से आपको बचना है। दोस्तों कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं जिसे पेपर के 40 क्वेश्चनों को कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन करने के बाद में वो क्या करते हैं जैसे वो एक साथ भरते हैं, तो कई बार जैसे एक भरना था इसमें और भर गया जैसे उसमें बी, भरना था सी और भर गया क्या उसमें डी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्वेश्चनों को यदि आपने ऐसा कर दिया पूरा का पूरा आपका जो सेगमेंट है पूरी की पूरी सीरीज है वो आपकी गलत हो जाती है, इसलिए आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको यदि ओमार शीट चाहिए तो अपने इंस्टीट्यूट के जो नंबर है वो है आपके 9694343442 जो है उनके ऊपर संपर्क कीजिएगा ताकि जेट की जो आपकी जो पीडीएफ है इसकी ओमार शीट की वो हम आपके पास भेज सके ताकि एक दो बार आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सके। दूसरी चीज रबर या ब्लेड का आपको उपयोग नहीं करना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाना सख्त इसके अंदर मना है, यदि कोई लड़का पाया जाता है ऐसा करने में तो उसको बहुत बड़ी कार्रवाई के तहत एग्जाम से बाहर किया जाता है, हो सकता है 2-3 साल उसके ऊपर बैन भी लगा दिया जाए। उसके बाद यदि प्रवेश पत्र पर फोटो सिग्नेचर स्पष्ट नहीं है तो आपको क्या करना है, देखो जो स्टूडेंट है जिसके प्रवेश पत्र पे उसकी फोटो साफ नहीं आ रही सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे तो उसको जो अपना प्रवेश पत्र है उस प्रवेश पत्र के ऊपर क्या करना है, यहाँ जो फोटो है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अपलोड की थी वो फोटो आपको यहाँ पे चस्पा करनी है और उसके नीचे आपके क्या है सिग्नेचर करने हैं और इस फोटो को किसी भी गजेटेड अधिकारी से क्या करनी है आपको
अटेस्टेड करवानी है। ये क्रिया विद्यार्थी उन्हीं विद्यार्थियों को करनी है जिनकी फोटो और सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे। सभी विद्यार्थियों को ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स वहां पर दौड़ लगाते हैं, भाग दौड़ लगाते हैं कि सर हमारे जो वो है, जो आपका प्रवेश पत्र है उसके ऊपर गजेटेड। तो वहां पर मैं ये कह रहा हूँ सभी को आवश्यकता नहीं है, जिनकी फोटो और सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे उन्हीं विद्यार्थियों को इन बातों पर ध्यान रखना है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, आप जितने भी विद्यार्थी हैं जो मेरी क्लास को देख रहे हैं, उन विद्यार्थियों से मैं अपील करूंगा कि एग्जाम के अंदर बिल्कुल ओपन माइंड जाइएगा और एग्जाम संबंधित जितने भी नॉर्म्स मैंने बताए हैं, एक बार इस वीडियो को 5-10 मिनट के लिए, बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, 5-10 मिनट के लिए वापस देखिएगा, ताकि जो एग्जाम हॉल के अंदर जो गलती होती है वो एग्जाम हॉल के अंदर वो गलती आप ना करें। तो अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमू जयपुर की ओर से आपका फिर से हार्दिक स्वागत और आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी 29 सितंबर की एग्जाम है, तो आप सभी विद्यार्थी जो मेरी क्लास को देख रहे हैं, सभी विद्यार्थी उसके अंदर टॉप रैंक लाए, ताकि राजस्थान के आपको सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी वहां पर मिल सके। जय राइज, जय किसान, जय राजस्थान। थैंक्स दोस्तों।